हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आभा एक्सेल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम के लिए दूसरा ऑनलाइन टेस्ट है। इससे पहले एक दिन पहले हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था, कल की क्लास में हमने फार्मूला डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, क्लासेस की टाइमिंग है सुबह 7 बजे और दूसरी क्लासेस शाम को 8 बजे। स्टूडेंट्स, अगर ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें मैसेज करिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका तुरंत आपको सलूशन मिलेगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अक्टूबर में 18 तारीख को आए हुए। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल सी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। उस 3 सेकंड की टाइमिंग में जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी को क्या कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया है, आंसर लिख दिया। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, याद रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, याद रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यहां पर आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3D का क्या कार्य होता है, वीडियो, प्रोग्रामिंग, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई। स्टूडेंट, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, ए एंड बी दोनों, ठीक है ना। 3D के कार्य दोनों हैं आपके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के बीच कितने सेंटीमीटर की जगह होती है। स्टूडेंट्स, यहां पर बात हो रही है कैल्क की। कैल्क में रो और कॉलम के बीच की दूरी का मतलब हो गया कि उनके बीच में चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ पूछी जा रही। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं और कैल्क में आपको दिखाते हैं कि आप कितना सेंटीमीटर का विड्थ वहां पर होता है बाय डिफॉल्ट में। यहां पर कैल्क आपका ओपन हो रहा है। कैल्क से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी देखिए यहां पर जैसे कि जूम परसेंटेज मैंने बढ़ाया हुआ है, आप जाओगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में यहां पर दिया है रो और कॉलम, कॉलम की होती है विड्थ, तो बाय डिफॉल्ट में आप विड्थ देख सकते हो यहां पर कितना है 0.89। तो कॉलम और रो के बीच में ये दूरी है 0.89, ठीक है ना, इनकी जो विड्थ होती है। अगर पूछता है कि रो की हाइट कितनी होती है, तो रो की हाइट के लिए फॉर्मेट पर आप जाओगे और यहां पर रो का ऑप्शन दिया है, रो से आप हाइट देख सकते हो, यहां पर आपको दिख रहा है 0.18, ये होती है रो की हाइट और विड्थ कितनी होती है 0.89। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.89, यही क्या होती है इसकी, कॉलम के बीच में विड्थ होती है ना, और 0.18 क्या होता है आपका, हाइट होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइटर में पेज के सबसे ऊपर क्या होता है, फुटर, हेडर, ए और बी दोनों, या फिर टॉप। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेडर, ठीक है ना। राइटर में पेज में जो सबसे ऊपर होता है उसे हम हेडर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे राइटर आपको ओपन करके दिखाते हैं, राइटर, तो राइटर का जो आपका होता है रन कमांड क्या है, विंडो प्लस आर करने पर, और यहां पर लिखना एस राइटर, और एस राइटर लिख के आप इंटरप्रेस कर दोगे तो आपके सामने आपका राइटर ओपन हो जाएगा। कल की क्लास में हम लिब्रा ऑफिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर देखिए इंसर्ट पे आप जाओगे तो इंसर्ट पे आपको ऑप्शन मिल जाता है किस चीज का, आपके हेडर का या फिर फुटर का, ठीक है ना। फूड नोट है, इंड नोट है, ये भी आपको यहीं पर मिल जाता है। लास्ट में आप देखोगे हेडर और फुटर, तो यहां हेडर पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए पेज के ऊपर ही आपका वो इंसर्ट होगा, ठीक है ना। फुटर कहां पे होगा, पेज के नीचे होगा। देखिए जैसे यहां फुटर है, फुटर पे हम जाएंगे डिफॉल्ट स्टाइल में, तो यहां पर देखिए आप पेज के नीचे आ गए, और अभी कहां थे, पेज के ऊपर थे।
तो हेडर कहां होता है, पेज के ऊपर होता है, और फुटर कहां होता है, पेज के नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, हेडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आईपी एड्रेस को बदला जा सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो बिल्कुल ट्रू है, आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में यह पूछता कि क्या मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है तो फॉल्स होता है, लेकिन आईपी एड्रेस को हम आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, जबकि मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, अर्थात आज की डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन कर लेते हैं, और जब यहां पर आप कंट्रोल के साथ में कॉलन प्रेस करते हो तो कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन, तो यहां पर देखिए आपकी डेट इंसर्ट हो गई है ना, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन किया, यहां देखिए आज 24 तारीख है तो यहां पर डेट आ गई आपकी 24 है ना। ऐसे पूछता है कि अगर टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन का यूज करना है, तो उससे आपकी टाइमिंग भी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे इस समय 6:13:10 हो रहे हैं, तो यहां देखिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन का यूज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका टाइम करंट का इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, और डेट के लिए कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन का यूज हम करेंगे। ओके, कंफर्म हो गया डेट और टाइम। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन, ठीक है, याद रखिए यही आपका राइट आंसर। अगर टाइम के लिए पूछता तो क्या हो जाता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एटीएम के पीछे सीवीवी पिन कितने डिजिट का होता है। तो एक चीज यहां से देखिए क्लियर हो रही है कि सीवीवी पिन कहां होता है, तो एटीएम के पीछे होता है। तो एटीएम के पीछे सीवीवी पिन कितने डिजिट का होता है, अर्थात सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, 3 का, 5 का, 4 का या फिर 6 का। जल्दी बताइए सीवीवी नंबर कितने का होता है। तो स्टूडेंट सीवीवी नंबर आपका 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का, ठीक है ना। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में आता है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, याद रखिएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है सीवीवी का फुल फॉर्म, बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर ये आपसे पूछता है कि डेबिट कार्ड कितने डिजिट का होता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो डेबिट कार्ड कितने का होता है, 16 अंकों का होता है डेबिट कार्ड, और सीवीवी नंबर आपका 3 अंकों का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C+P, Ctrl+C+V, Ctrl+B या Ctrl+P। तो स्टूडेंट्स यहां पर बात हो रही है सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+Shift+P, याद रखिएगा। देखिए यहां पर जैसे राइटर ओपन कर लेते हैं, और यहां पर राइटर में आपको दिखाते हैं, जैसे यहां पर हमें लिखना है क्या, x+y² अब यहां पर 2 कहां होता है, स्क्वायर में, तो 2 को यहां सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और पी का यूज करेंगे, तो देखिए ये कहां से हो गया आपका, सुपर स्क्रिप्ट में हो गया, ये आपका ऊपर साइड में हो गया। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+Shift+P। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+Shift+C, Ctrl+C+V, Ctrl+Alt+C and Nota, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ना ही राइटर का जिक्र है, ना ही कैल्क का जिक्र है, ना ही इंप्रेस का, तो अर्थात लिब्रा ऑफिस में हर जगह कमेंट आंसर करने की शॉर्टकट की वही होती है। तो कमेंट आंसर करने के लिए क्या है, Ctrl+Alt+C। देखिए यहां पर राइटर में इसको सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+Alt+C हम प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका कमेंट इंसर्ट हो गया है। अब इस कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, यहां पर आपके परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो क्या है आपकी शॉर्टकट की, Ctrl+Alt+C। अब आगे देखते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है, अर्थात
सेल ऐड करना, इंसर्ट करना है, ठीक है ना। शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नहीं लिखा है, डायरेक्टली विद प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। कोई सेल आपको जोड़नी है, सपोज दैट यहां पर एक डाटा हमने बना लिया है, अब है एक्सेल एंड कंप्यूटर, सेकेंड रो ये हमारी, थर्ड ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और सी के बीच में एक और चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में अगर आप प्लस प्रेस करते हो, देखिए जितनी बार प्लस आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, उतनी सेल यहां पर या उतनी कॉलम यहां पर इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बीच में सेल इंसर्ट करना है, तभी आप कंट्रोल के साथ में आप प्लस प्रेस करोगे, तो देखिए एक इंसर्ट हो गया, कंट्रोल प्लस आपने किया इंसर्ट हो गया। अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करिए, देखिए डिलीट हो रहा है। इसे भी डिलीट करना है कंट्रोल के साथ में माइनस, ये भी डिलीट करना है कंट्रोल के साथ में माइनस। तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करने पर सेल कॉलम या फिर रो डिलीट होगी, और कंट्रोल के साथ में प्लस करने पर सेल कॉलम रो सभी आपकी ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस में ODS का क्या मतलब है। तो ODS का मतलब क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ODS एक्सटेंशन किसका है, तो ODS आपके कैल्क का एक्सटेंशन है, कैल्क एक्सटेंशन होता है .ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर एक्सेल दिया है, तो यहां पर इसे ऐसे ही कर देते हैं, कैल्क दे देते हैं। कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस जल्दबाजी में लिखे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, फीवर है, इन्फेक्शन है, जिसके वजह से वर्क सही से नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैंने कोशिश की है, क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तो जो भी मिस्टेक होती है थोड़ा उसके लिए सॉरी आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चंस आप देखते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शंस नहीं लिख पाया हूं, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हूं, कुछ मैं ऑप्शंस भी लिख पाया हूं। कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करना है, देखिए हमें ये कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में आप स्पेस प्रेस करोगे तो पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ में स्पेस करने पर हो जाएगा। रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ में स्पेस करना होगा, और कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस आपको प्रेस करना होगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, कैल्क में कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। अगर रो पूछता तो रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में इटैलिक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है। तो आप सभी जानते हो इटैलिक के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक में क्या होता है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं तो अक्षर आपके तिरछे हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, QR कोड स्टैंड फॉर, अर्थात QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगर ये पूछता है QR कोड कितने प्रकार के होते हैं, तो QR कोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिशील QR कोड और दूसरा होता है आपका स्थिर QR कोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी, प्राइमरी सेकेंडरी, रैम एंड रोम, ए एंड बी दोनों, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर से क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दो प्रकार की, यहां देखिए दो प्रकार की पाई जाती है, प्रकार दिया है। यहां पर नहीं पूछा है कि निम्न से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरियां हैं, अगर ये होता तो ये सब सही होता, लेकिन जो आपकी मेमोरी के पार्ट है वो दो ही है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। रैम और रोम जो यहां पर दिया है ये आपके प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। जब फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था मेमोरी के बारे में, काफी डिटेल में डायग्राम के द्वारा समझाया है, जिन्होंने भी फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ा है चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है रियल टाइम, ट्रू या फॉल्स।
तो बिल्कुल ट्रू है, रियल टाइम भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके होते हैं, ट्रू है ये। क्या रैम और रोम दोनों अलग अलग होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स? तो ये फॉल्स है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है और ये भी आपका प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी के ही प्रकार होते हैं, चाहे वो रैम हो या फिर रोम। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे रैम का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, रोम का भी आता है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड दोनों में कंट्रोल एफ का एक जैसा काम रहता है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ट्रू है, कंट्रोल एफ का क्या यूज होता है आप सभी जानते हैं। कंट्रोल एफ मतलब होता है फाइंड, क्या होता है? फाइंड होता है। तो चाहे आप एमएस वर्ड हो या फिर राइटर हो, दोनों जगह कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो यहां पर फाइंड का ही ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो दोनों एक जैसे वर्क करते हैं। जब मैंने लिब्रा ऑफिस राइटर पढ़ाया था तो वहां पर भी फाइंड के बारे में बताया था, और जब एमएस वर्ड पढ़ाया था तो वहां पर भी फाइंड के बारे में काफी डिटेल में आपको समझाया था। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, फुल फॉर्म की वीडियो के लिए काफी ज्यादा डिमांड हो रही है, तो कल दिन में 10 बजे एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी फुल फॉर्म्स आपको बताएंगे। तो कल आप दिन में 10 बजे की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, जो भी फुल फॉर्म्स एग्जाम में आ रहे हैं तो सारे फुल फॉर्म्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा फिट हो रहे हैं तो क्लासेस आपकी रेगुलर होती रहेंगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो सब कुछ आपको बताता रहूं। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आसानी से आप वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।